अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसका नाम है रस मलाई रबड़ी। ये ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के लिए आपको किचन में चूल्हे के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मीठी मीठी और ठंडी रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश क्रीम। उसके लेंगे हम 2 चम्मच, अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, अंदर 2 चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसके अंदर 1/2 कप पाउडर मिल्क डालेंगे। इसको घर पे भी ट्राई करिएगा लाजमी, ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छी लजीज बनती है और इसके अंदर चूल्हा भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब हम रस मलाई की कटिंग के लिए ब्रेड लेंगे। अगर इस तरीके से अगर आपके पास कोई राउंड शेप में कोई चीज़ हो तो उसकी मदद से हम इसके स्लाइस बना लेंगे, या फिर आपके पास कोई कुकी कटर हो तो उसके ज़रिए से भी हम ये बना लें। जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। देखें आप, ये मैंने ब्रेड को जो है वो राउंड शेप के अंदर इस तरीके से कट कर लिया। अब हम तैयार करेंगे रस मलाई की रबड़ी। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1/2 कप मिल्क, अंदर 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसके अंदर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते ऐड करेंगे। ये जो है वो रबड़ी किस तरीके से माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और इसकी शक्ल भी आप देख लें, बहुत अच्छे से आ गई है और इसके अंदर कोई अब लम्स भी बाकी नहीं है। लेंगे 1/2 कप मिल्क और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर। को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने ब्रेड की कटिंग करी थी राउंड शेप के अंदर, उसको हम दूध के अंदर डिप कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर से आप इसको प्रेस करेंगे और इसमें से दूध को निकाल लेंगे। अब हम जो है वो इसके अंदर फिलिंग करेंगे, जो हमने डिप करे हैं राउंड शेप के अंदर, उसके अंदर ये जो हमने क्रीम बनाई थी पहले, उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे। ये मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसके अंदर दूसरा वाला जो पीस, एक और पीस लेंगे, उसको इस तरीके से इसके ऊपर फिल करके ऊपर, और यहाँ हल्का सा हम उसको दबा देंगे। जैसे हम जो है वो बाकी जो है वो रेडी कर लेंगे। जो हमने रस मलाई सैंडविचेस बनाए थे उसको हमने एक बाउल के अंदर इस तरीके से सेट कर लिया। अब हम जो है वो इसके अंदर हम जो है वो रस मलाई की रबड़ी ऐड कर लेंगे। अब जो है ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है मज़ेदार सी रस मलाई रबड़ी। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो भी आप ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो है वो पिस्ते डालूंगा मैं। थोड़े से बादाम जो है वो इसके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छा सा लगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये मज़ेदार सी रस मलाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा।
और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।